हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। अभी बज रहे सुबह के 6:30 और मैं जा रहा हूँ मॉर्निंग वॉक पे, मतलब एक्सरसाइज करने। जैसे कि आप देख सकते हैं, मेरे हाथ में एक मैट, एक स्कीपिंग रोप और गमछा, क्योंकि पसीना पसीना आ जाता है तो पोंछने के लिए। और अभी सनराइज हो रहा है, मतलब हो चुका है, लेकिन जो गांव का नज़ारा है सुबह सुबह देखने में इतना अच्छा लगता है और इतना शांति है, जो आप कहीं भी चले जाओ आपको कहीं नहीं मिलेगा। आप कहीं पे भी चले जाओ। और मुझे अभी जाना है बहुत दूर, क्योंकि वहीं पे रास्ता है खेतों के बीच, क्योंकि कोई लोग भी नहीं रहता, सुनसान रहता है, और अकेले बस से एक्सरसाइज करो तो मज़ा आता है उसमें। थोड़ा आप सुबह का मज़ा लो और फिर आगे की बातें करते हैं। देख सकते हो हम अपने लोकेशन पे आ चुके हैं, मुझे यहीं पर करना है। लेकिन ये जो घास है ना, तो ये मतलब गीला है, अभी देख सकते हैं। तो इस पर तो पूरी तरह मतलब मैट को नहीं बिछा सकते, तो इसके लिए थोड़ा जुगाड़ करेंगे। जुगाड़ ये है कि ये सरसों का है, तो इसको थोड़ा बिछा देंगे उस पर, और उसके ऊपर मैट को बिछा देंगे। आप लोग देखिए, करते हैं हम अपना वार्म अप पहले। लेकिन अभी मुझे दौड़ना है, और मैं इधर से जाऊंगा दौड़ कर फिर आऊंगा। तो आप वेट कीजिए, मैं अभी जाकर आता हूँ। अभी करते हैं थोड़ी स्कीपिंग, और ये मेरा स्कीपिंग रूप है, जो कि मतलब बहुत ही अच्छा है स्कीप करने के लिए, सस्ते बजट में, मतलब 300 के अंदर ये बहुत ही अच्छा है। अगर आप इसे खरीदना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप जाके खरीद सकते हैं। जैसे कि आप पसीना देख सकते हैं, तो मैं स्कीपिंग करूँगा 1000 बार, और उसके बाद वो सीटअप बीटअप प्लांग व्लांग जो होता है, और पुशअप करेंगे। तो पहले मैं 1000 बार ये कर लेता हूँ, उसके बाद फिर आप देखो। स्कीपिंग कंप्लीट हो चुका है, जैसे कि आप मेरी हालत देख सकते हो, लेकिन कोई नहीं, रुकेंगे नहीं। तो अभी करते हैं पुशअप्स एंड प्लैंक, सिटअप, और जो भी मतलब पेट के लिए होता है। जैसे कि आप देख सकते हो मेरे पेट बढ़ चुका है थोड़ा सा, तो इसको मैं 1 महीने के अंदर ठीक करूंगा। आप अभी देख लो अच्छे से, और ये ब्लॉक तो रहेगा ही, फिर कंपेयर कर लेना 1 महीने के बाद। और आज हो रहा है 20 मार्च। पहले करते हैं पुशअप। तीन रेप्स करेंगे, तो अगर इस बार 10-12 भी हो जाता है ना, तो मेरे लिए तो बहुत है। आठ बार हुआ है, अभी ये लास्ट रेप है, पता नहीं 1 बार होगा या 2 बार या 4 बार होगा, देखते हैं कितनी बार होता है। तो अभी तो एक्सरसाइज खत्म हो चुका है, अभी चलते हैं घर की तरफ। और क्योंकि आज हम लोगों के गांव में जलसा है, तो जलसा भी आप लोगों को दिखाएंगे। जलसा मतलब वो होता है, जिसको पता नहीं है कि इस्लाम धर्म में मतलब मौलवी आता है और सभी को हिस्ट्री बताता है, कैसे मतलब क्या हुआ था, और लॉज सिखाते हैं कि कैसे कैसे चलना हो। तो आप लोगों को थोड़ी बहुत दिखाएंगे, उसके लिए पेंडल भी सजा हुआ है, बहुत बड़ा है, तो
तो वो होता है मतलब रात में ही शुरू होता है। तो अभी चलते हैं फिर एकदम उस पेंडल में मिलते हैं। उस पेंडल में आप लोगों को दिखाऊंगा कि कैसे सजाया हुआ है और अभी भी सजा रहा है। तो जैसे आप देख सकते हैं मैं गांव के पास आ चुका हूँ। तो गांव के पास कुछ ऐसा है बाहर से। तो ये बछड़ा, ये है बकरी, ये है मुर्गा, ये है बैल, ये है जलसा का पेंडल जैसे कि आप देख सकते हैं। अभी तो आप लोगों को पूरा खाली दिख रहा होगा लेकिन रात को ये पूरा भर जाएगा। अब देखें तो मेरा नेक्स्ट काम है नहाना, क्योंकि एक्सरसाइज करने के बाद पसीने वसीने से भीग चुका था। तो अभी मुझे नहाना है और मैं यहीं पे नहाता हूँ क्योंकि ये यहाँ पे टाइम कल का पानी आता है सुबह दोपहर और शाम को। तो सुबह जो आया था तो मेरे माँ ने पानी भर के रखा है इस डेग में। इस पानी से मुझे हो जाता है क्योंकि ये पानी बहुत ही क्लीन है। तो मैं यहीं पे नहाता हूँ, इसको पहले उठाते हैं यह, फिर उसके बाद में इस पर भी भरा हुआ है इसका पानी डाल देते हैं। और ये है थोड़ा वो गुरखा स्कार्फ का दुकान है, यहाँ देखिए। और ये है, और ये है लास्ट किताबों का दुकान। तो अभी दुकान देख सकते हैं आप लोग, मतलब ये छोटा मोटा दुकान आया हुआ है। ये है फास्ट फूड का दुकान। अभी ये सब दुकान भी देख सकते हैं, खिलौना आया हुआ है बच्चों का। और उधर भी दुकान है। और आप इधर भी देख सकते हैं बच्चों का खिलौना। और ये सब है फास्ट फूड का दुकान। और इधर भी है और ये आया हुआ है फुचका। और यहाँ पर भी है फूलों का दुकान देख सकते हैं। বাবাজি আমার যেই নিয়ে সাজার করলাম সাজার করো কেউ আছেন কি আর দেওয়ার মতো।